हेलो डी स्टूडेंट आप सभी का ट्रैक्टर क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़ेंगे इंजन ड्राइंग फर्स्ट जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपने कंप्लीट किया था बच्चों लाइंस और अपने लेटर्स वो हमने वे थे वहाँ से बच्चों हमने करीब करीब आपके बारह मार्क्स के अपने क्वेश्चन कम्प्लीट किए थे और वो भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है और वो क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं ठीक है तो वहाँ से आपने स्टार्ट कर ली वहाँ से आपने वो चीज़ें सीखी होंगी और यदि नहीं सीखी तो वहाँ से जाके आप पढ़ेंगे और जो लाइन्स होती है लाइन्स को आपका यूज़ क्या होता है लाइन्स कैसे बनाई जाती है ठीक है तो उन लाइन के बारे में आपने कंप्लीट किया होगा देन उसके बाद हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था कि लेटर्स आपके वर्टिकली और इंक्लाइन जो पढ़ाए जाते हैं एंगल्स कितने लेते हैं कितने इसकी थिकनेस लेते हैं तो मोस्टली एग्जामिनर आपसे दस एम थिकनेस में पूछता है तो दस या पंद्रह भी पूछ सकता है या तो बारह में पूछ सकता है तो मोस्टली दस से ही पूछा जाता है बट आप दस एम के लेके ही आपको उसको तैयार करना है कि लेटर्स ऐसे बनते हैं और सिंगल सिंगल एक बार एकल ही प्रयास में आपको बनाने होते हैं ठीक है तो वो चीज़ें आप लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों अपनी हो देखी होगी यदि नहीं देगी तो आई बेल पर जाके आप वहाँ पर जा सकते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो पर ठीक है तो आज आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं डीयर वो है आपका स्केल और स्केल में के अंदर से यदि बात करें तो हमारा ये करीब करीब पंद्रह नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आता ही है ये पूछा जाएगा ये ये फिक्स है ये आना ही आना है ठीक है तो स्केल के बारे में सभी ने पढ़ा होगा स्केल के द्वारा ही हम ड्राइंग बनाते हैं वही हम क्या करते हैं स्केल का आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है जब तक कि जो भी सिविल मतलब इंजीनियर के अंदर सिविल इंजीनियर हो या मैकेनिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रिकल हो जो भी आपकी ड्राइंग बनती है तो ड्राइंग को आप स्केल के द्वारा ही बनाते हैं स्केल पे आप बड़े स्केल को छोटे स्केल पर करके कन्वर्ट करके बनाई जाती है तो स्केल के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि बच्चों आपके स्केल कुछ तीन टाइप के होते हैं और वो जो तीन टाइप के स्केल होते हैं वो कौन कौन से स्केल होते हैं सबसे पहला होता है आपका फुल साइज स्केल होता है दूसरा होता है रिड्यूस स्केल होता है और तीसरा होता है इंक्रीज स्केल क्या होता है ये बच्चों ये है इंक्रीज ठीक है इंक्रीज स्केल होता है तो हम यदि बात करें इसकी तो ये देखिए ये आपका यहाँ पे जो फुल स्केल की बात करते हैं तो फुल स्केल में हम यदि बात करें तो ये होता है जो इसकी आरएफ वैल्यू जो होती है वो किसके क्वाल्ट होती है इसके वन के होते हैं जो आर एफ होती है आर एफ क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है डियर क्या होती है आर एफ रिप्रेजेंटे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होती है आपकी आर एफ और इसके अंदर रिड्यूस की स्केल की बात करते हैं तो रिड्यूस स्केल की जो आर एफ़ की वैल्यू होती है वो वन से कम होती है और इंक्रीज स्केल की जो आर एफ वैल्यू होती है वो डियर होती है आपकी वन से अधिक तो इनका हम यूज़ करते हैं आर एफ़ की वैल्यू आपको डिपेंड करती है कहीं कही ना कहीं इनके तीनों के स्केल पर तो आपको रिड्यूस uh, जो आर एफ की वैल्यू है आर एफ के निकालना आपको आना चाहिए किस तरीके से आर एफ आप निकालते हैं तो आर एफ को सबसे आप समझेंगे हम आर एफ आर एफ आपका होता क्या है ठीक है तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे कि हम बात करें यदि आपकी आर एफ वैल्यू आपकी डेफिनेशन के फॉर्म में जाए तो आपकी डायमेंशन हो जाती है आपकी देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं आर एफ तो आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन आपने सभी ने डिटेल में यहाँ पे लिख लिया होगा आर एफ कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन तो इसको हम शो कैसे करते हैं देखिए जो आपकी वास्तविक लेंथ होती है और जो ड्राइंग पे लेंथ होती है एक्चुअल में लेंथ क्या होगी वो दो किलोमीटर होगी और ड्राइंग पे सीट पे क्या करेंगे आप बहुत दस एम एम की या पाँच एम की लेंथ पे उसको शो कर देंगे दो किलोमीटर के डिस्टेंस को दस दस पांच एम एम या पाँच एम के डिस्टेंस में शो करना है क्या कहलाता है आपकी उसकी रेसो ही क्या कहलाता है आपका आर एफ वैल्यू कहलाता है ठीक है आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं यदि मैं हिंदी में बात करूं वस्तु की ड्राइंग पर माप अपॉन वस्तु की वास्तविक वास्तविक माप ठीक है तो वस्तु की यहां पे आप लिख सकते हैं वस्तु की ड्राइंग पर ड्राइंग पर माप और वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को क्या कहते हैं आप रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहते हैं अब यदि हम इसको बच्चों इंग्लिश में भी लिख रहे हैं आप लिख सकते हैं डायमेंशन डायमेंशन ऑन ऑन ड्राइंग शीट डायमेंशन ऑन ड्राइंग शीट अपॉन ठीक है इसमें लिख सकते हैं डायमेंशन देख यहां पर लिख लेंगे डायमेंशन आ जाएगा ना डायमेंशन ऑन एक्चुअल डायमेंशन ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट ठीक है तो आप इस तरीके से इसमें शो कर सकते हैं जो आपको आर की डेफिनेशन होती है आर की डेफिनेशन आपको पता होना ज़रूरी है ठीक है इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरीके से और आप अपने पास को नोट्स में नोट्स जो बना रहे हैं ड्राइंग के उसमें आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे इजीली ठीक है तो ये आपके क्या होंगे यहाँ पे थोड़ी बेसिक चीज़ें थी ये समझी अब इसके बाद में हमारा आता है बच्चों लेंथ ऑफ तो स्केल यदि स्केल की बात करें तो ये हमारा स्केल होता है फुल स्केल साइज फुल साइज स्केल में हम कौन कौन सा स्केल ले सकते हैं यहाँ बात करें रिड्यूस स्केल में कौन कौन सा ले सकते हैं या इंक्रीजिंग स्केल में कौन कौन सा स्केल ले सकते हैं वो हम देखेंगे कौन कौन सा स्केल लेते हैं मोस्टली यदि हम इसकी बात करें फुल स्केल में तो इसमें जो स्केल लेते हैं आप ठीक है वो लेते हैं वन इंटू वन का तो नॉर्मली स्केल आपका वन इंटू वन रेसो वन का ले सकते हैं इंटू तो नहीं बोलते रेसो बोलते हैं सर ठीक है वन रेसो वन का आप क्या लेते हैं स्केल लेते हैं और यदि हम इसकी बात करें रिड्यूस स्केल में रिड्यूस स्केल में आपके बहुत सारे वेरिएशन होते हैं जैसे कि आपके कंटिन्यू बढ़ते चले जाते हैं ठीक है थीके? इसमें अभी स्केल की बात करते हैं तो स्केल इसमें बच्चों लिया जाता है इसमें वन रेसो टू पॉइंट फाइव देन वन रेसो फाइव देन वन रेसो टेन वन रेसो ट्वेंटी वन रेसो फिफ्टी तो वन रेसो तो इस तरीके से आपके काफ़ी सारे स्केल्स लिए जाते हैं अब इंक्रीजिंग स्केल की बात करते हैं इंक्रीजिंग स्केल जो मतलब इंक्रीज की तरफ जा रहा हो फ्रैक्शन तो उसकी हम यहाँ पर देखते हैं तो वो क्या लेंगे हम इसको देखिए रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग की तरफ और फिर आपका बढ़ता चला जाता है फिर आपका यहां पर ले लेते हैं आप इसका स्केल ठीक है तो ये फिफ्टी जो इंक्रीजिंग फिफ्टी रेसो ट्वेंटी रेसो वन आपका टेन रेसो वन तो इस तरीके के जो स्केल होते हैं वो आपके कहते हैं इंक्रीजिंग स्केल में आते हैं ये वाले इस तरीके के रेसो स्केल लेंगे आप ये हैं फिफ्टी रेसो वन ट्वेंटी रेसो वन टेन एसओ वन वाले जो स्किल होते हैं डियर वो आपके यहाँ पे ले जाते हैं तो ये चीज़ें आप जल्दी से नोट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे और आगे चीज़ें और थोड़ा सा समझते हैं अब आती है आपकी ड्रॉइंग जो आपके डाउना स्केल्स होते हैं जो स्केल्स आप यूज़ करते हैं वो स्केल्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा और तो फिर हम अपनी चीज़ों को आगे और बढ़ाएंगे अब हमारा होता है एक लेंथ ऑफ स्केल ठीक है जो लेंथ ऑफ स्केल निकाली जाती है वो किस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करते हैं चलिए इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर लेंथ ऑफ स्केल की बात करेंगे ठीक है जल्दी से इसको आप लोग नोट करेंगे कि लेंथ ऑफ तो स्केल जो होता है आपका वो लेंथ ऑफ तो स्केल हम कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल ठीक है लेंथ ऑफ स्केल की तरफ चलते हैं तो आपका क्या होता है आर एफ यहां पर आर एफ जो आपकी वास्तविक लंबाई होती है किसकी जो ड्राइंग पे लेंथ ऑफ स्केल हम क्या करते हैं आर एफ वैल्यू जो भी आपको दे रखी हो और जो वस्तु की अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी पढ़ी जाने वाली दूरी तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से तो ये लेंथ ऑफ स्केल आप यहाँ से निकालते हैं लेंथ ऑफ स्केल इज कल टू होता है आर एफ इंटू वस्तु की अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी जो भी अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका लेंथ ऑफ स्केल यहाँ पे निकल जाता है कि स्केल की लेंथ कितनी होगी ठीक है आपको क्वेश्चन में वो आर एफ वैल्यू देता है ठीक है और यदि नहीं देता तो आप वहाँ से निकाल सकते हैं स्केल से जो मैंने स्केल अभी बताया आपको ठीक है तो उसके द्वारा से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं और खुद भी आप उसको लेट करके आप स्केल को बना बनाना होता है ठीक है तो अभी यहाँ तक इसको जल्दी से नोट करेंगे इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ चीज़ों को और जैसे कि हम इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो प्लेन स्केल होता है आपका तो उसमें यदि हम बात करें प्लेन स्केल की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं ठीक है प्लेन स्केल की हम सबसे पहले जो बात करेंगे अपना प्लेन स्केल को पढ़ेंगे फिर उसके बाद डायगोनल स्केल भी होता है आपका फिर आपको रेटोगेड होता है तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ेंगे तो चलिए या तो ये नोट कर लीजिए सबसे पहले फिर हम अपना आप करेंगे स्केल ठीक है तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्केल आप यहां पे हेडिंग डालेंगे ठीक है तो हेडिंग डालेंगे आपकी हेडिंग रहेंगी ड्राइंग ड्राइंग ऑफ प्लेन ड्राइंग ऑफ प्लेन अभी तक हमने पढ़ा डियर अपना स्केल्स अब हम पढ़ेंगे प्लेन जो आपके प्लेन है तो सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्लेन ठीक है एक होता है डायगोनल एक होता है प्लेन स्केल प्लेन स्केल एक होता है आपका डायगोनल स्केल डायगोनल स्केल और तीसरा होता है डियर आपका इसमें जल्दी से इसको लिखेंगे तीसरा होता है आपका फोर्थ होता है आपका मैट्रिक स्केल और फिफ्थ होता है आपका आइसोमेट्रिक हो गया प्लेन स्केल हो गया कोड स्केल हो गया और देन उसका होता है आपका फिफ्थ होता है आपका डियर वर्नियर स्केल वर्नियर स्केल और सिक्स होता है आपका डियर कंपरेटिव स्केल कंपरेटिव स्केल ठीक है तो ये आपके करीब छह टाइप के और ड्राइंग ऑफ प्लेन्स ये होते हैं आपके छह टाइप के इनको जल्दी से लिखेंगे और एक एक में जो आपकी स्केल्स बनाए जाते हैं प्लेन स्केल में कौन किस तरीके स्केल बनता है या फिर डायगोनल में किस तरह तो मोस्टली आपको जो एग्जामल घुमाता है डियर बस मोस्टली यहाँ तक घुमाता है ये दो प्लेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक ये और एक ये डायगोनल में और एक में बात करूँ तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाली प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में आपको यहाँ पे घुमाता है एग्जामल इससे ज़्यादा आपको कहीं भी वो ज़्यादा लेके नहीं जाता है ठीक है दो चीजों में तो जल्दी से नोट करेंगे इसके बाद हम आगे चलते हैं आगे अब एक क्वेश्चन लेंगे उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हमारा क्वेश्चन होता है ठीक है तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए देखिए स्टूडेंट अब आपका ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम करेंगे जैसे कि आपको दिया है कि मीटर डेसीमीटर मापने के लिए एक मापनी खींचिए जिसमें जीरो पॉइंट फोर मीटर की जीरो पॉइंट फोर मीटर की दूरी एक सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो ठीक है प्रदर्शित हो उसके बाद कह रहा है कि मापनी पर चार मीटर तथा छह दर्शाइए आपको ये बताना है है ठीक <laughs>. तो हम इसको करेंगे कैसे सबसे पहले आपको क्या करना है यहां से आर एफ निकालना है ठीक है तो आर एफ निकालने के लिए आपको क्या दिया है उसने कहा है कि जीरो पॉइंट फोर मीटर की दूरी एक सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो एक सेंटीमीटर से प्रदर्शित कौन सी हो आपकी वन सेंटीमीटर ठीक है जीरो पॉइंट वन मीटर की दूरी वन सेंटीमीटर से प्रदर्शित हो तो आपको देखिए आर एफ की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि जो आपका आर एफ होता है आर एफ क्या होता है बच्चों आपका जो ड्रॉइंग पर माप अपॉन क्या उस वस्तु की एक्चुअल वास्तविक दूरी तो आपकी वास्तविक दूरी क्या है आपकी जो जीरो पॉइंट वास्तविक दूरी है आपकी जीरो पॉइंट फोर और स्केल पर कितनी है आपकी वन सेंटीमीटर तो ऊपर रखेंगे वन सेंटीमीटर और नीचे आएगा आपका जीरो पॉइंट फोर मीटर ठीक है तो यहां पर तो वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आर एफ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे सेंटीमीटर ऊपर है तो नीचे वाले स्केल में हमेशा इसमें क्या होता है इसकी जो यूनिट होती है दोनों को सेम करना होता है तो आपको सभी को पता होगा एक मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है सो सेंटीमीटर होता है तो इसको वन सेंटीमीटर अपॉन जीरो पॉइंट फोर इन हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा ये सेंटीमीटर आ जाएगा तो यूनिट से तो वैल्यू क्या आ गई गई आपकी ये आ अपॉन कितने आ ये आपकी जीरो खत्म तो फोर्टी आ गई इसकी आर एफ की वैल्यू तो आर एफ की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे ये आपने इजिली ड्रॉइंग पे ये काम करना होता है ये करना कहाँ है ये आपको ऑन ड्रॉइंग ये सब चीजें दिखानी है डियर दिखा आपको ठीक है ये ड्रॉइंग पे बनाना है कैलकुलेशन करनी है एक साइड पर देन उसके बाद क्या करेंगे अब निकालेंगे ऑफ लेंथ ऑफ स्केल क्या निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल हमने आपने सीखा कि कैसे किस तरीके क्या होता है लेंथ ऑफ स्केल इज टू आर एफ इन अधिकतम अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी जाने वाली दूरी ठीक है तो अधिकतम पढ़ी जाने वाली दूरी कितनी है आप देखेंगे की दूरी दर्शाइए तो अधिकतम जो दूरी लेंगे आपको चार मीटर तो दे रखी है ठीक है चार मीटर और चार मीटर में छह डेसीमीटर और जोड़ दिया तो आपको कितना लेंगे अधिकतम तो अधिकतम आपको चार से अधिकतम कितना आएगा पांच तो आप क्या लेंगे एक नंबर एक मीटर अधिक लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे आप देखिए पे तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे करेंगे डियर चलिए ये आपको दिखाई रहा तो क्या अब जो आपको अधिकतम दूरी कितनी नहीं है पांच मीटर लेंगे तो ये क्या है सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे पांच मीटर को कितना करना पड़ेगा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो एक जीरो से एक जीरो खत्म तो ये कितना हो गया आपका पचास हो गया पचास को क्या करेंगे अब डिवाइड करेंगे देखिए यहाँ के पचास अपॉन चार तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो डी आ जाएगा बारह पॉइंट फाइव ठीक है तो ये जो आपका लेंथ ऑफ स्केल आया वो कितना है बारह पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आपका लेंथ आ गई जो अब ये क्या है बारह पॉइंट फाइव सेंटीमीटर आ गई आपको कि इतनी लंबी लेंथ खेचनी है ड्रॉइंग पे क्या करना है इतनी लंबी लाइन खेचनी है कैसे देखिए आपका ड्रॉइंग का पार्ट है इस, इस तरह मैं यहाँ पर लेता हूँ तो आप क्या करेंगे एक यहां से लाइन खींचेंगे अपने स्केल में करके तो आपके यहां पर लाइन खींची इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे तक आपको दिख रहा होगा ठीक है, यह आपने यहां तक है। तक ले लेते हैं बस ठीक अब आपको क्या करना है ये आपकी लेंथ जो होगी हो आपकी यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ये वाली यह होगी आपकी बारह पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कितनी होगी बारह पॉइंट फाइव सेंटीमीटर बिल्कुल स्केल में इतना ही लेना डियर आपको कितना 12.5 सेंटीमीटर आपको स्केल में लेना और इस तरीके से आपको एरो में दिखाना है ये प्रॉपर तरीके से यहां तक चीजें क्लियर इतना आप कर सकते हैं देन अब क्या करना अब इसको ही आपको क्या करना है क्योंकि आपने जो अधिकतम दूरी ली वो कितने ली अधिकतम जो दूरी ली थी आपने ली थी बच्चों पांच मीटर कितनी ली थी पांच मीटर अब इसको पांच भागों में बांटेंगे कितने में पांच भागों में और एक भाग किसको शो करेगा एक भाग जो शो करेगा डियर वो करेगा आपको मीटर में ठीक है तो सपोज दैट एक एक मैंने पॉइंट पॉइंट यहां यहां ले लिया और एक point आपका द होगा दो पॉइंट मिल गए अब आपको तीन पॉइंट लेना एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया ठीक है मिड में तो एक यहां पर आ जाएगा एक दो तीन चार और पांच भागों में आपने बांट लिया पांच भागों में बांटना है अभी हमारे कितने बने चार ठीक है तो हम इसको पांच भागों में बांटना डियर अभी रुक जाओ ठीक है और एक भाग आपका यहाँ पर आएगा ये कितना आया अब इसको क्या करना है आपको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देना इस तरीके से और इसको भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते लेना बस इसको हमें स्केल बनाने के लिए इसकी लेंथ कुछ भी ले सकते हैं ये फिक्स नहीं होती डियर कभी आप सोचिए कितना बढ़ाना है तो ये आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं दो सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर है ना पर ज़्यादा भी है ना आपको दो या तीन सेंटीमीटर चार सेंटीमीटर तक ले सकते हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा ठीक है तो इसको ऊपर तक लेंगे बस आपको डायमेंशन शो करने के एक दो तीन

आप जीरो से लेकर एक दो तीन चार तक लेकर जाएंगे ठीक है जीरो से लेकर एक दो तीन, तीन तीन चार तक और जो पहला वाला जो ब्लॉक होगा वो डेसी को शो करेंगे और आगे वाला मीटर को तो यहाँ पर जीरो एक दो तीन ठीक है ये कितना थ्री तीन मीटर और ये चार मीटर तो यहाँ पे मीटर भी लिख देंगे मीटर मीटर आप एम कैपिटल लेटर बनाएंगे अच्छे से ठीक है और जीरो मीटर अब ये वाला जो शुरू वाला पॉइंट है क्योंकि आपको मीटर और डेसीमीटर की बात करिए तो जो शुरू वाला पॉइंट है वो डेसीमीटर बनाएंगे और कितने कितने लेंगे आप दस भागों में डिवाइड करेंगे इस वाले पोर्शन को दस भागों में डिवाइड करेंगे तो देखिए आप सबसे सब यहां से एक ये जीरो एक दो तीन चार पांच पांच आ गया एक दो तीन चार और एक पांच ये आपका आ गया तो पांच आपका यहाँ पे आया ठीक है तो आपको डेसीमीटर करना है सब यहां तक समझ में आ गया चीज ये यह आपने यहां तक बना लिया ठीक है तो ये पांच आ गया इसके बाद आपको जो शो करना है तो शो कैसे करेंगे देखिए अब आपको इनकी लाइन को नीचे लेना है सबसे पहले क्या करेंगे इस लाइन को थोड़ा सा नीचे बढ़ाएंगे इस तरीके से यहां तक आपने बढ़ा दिया नीचे तो आपको क्या करेंगे ये सारी चीजें मिलाते हुए यहाँ पे लेकर आ जाएंगे तो इस पार्ट को आप यहाँ पे इनको जो इतने पॉइंट है इन पॉइंटों को सबको आपको यहाँ पे मिलाना होता है ठीक है एक ही पॉइंट पर सारों को सारे को ठीक है तो इस तरीके से जब मिलाएंगे तो आपके सारे पॉइंट आपके यहाँ पर मिलते जाएंगे प्रॉपर तरीके से पूरे पूरे पॉइंट आपके यहाँ पर जाएंगे नीचे ठीक है यहाँ तक आपने बना लिया अब क्या करेंगे आप एक स्केल लाइन लेंगे इसके, इसके पैरल बिल्कुल और ये यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से ये आ गई और इसका जो लम होगा सीधा यहाँ पर डालेंगे इस पर ठीक है बिल्कुल इस तरीके से और ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा तिरछा हो गया ये पॉइंट आप लेकर जाएंगे यहाँ पर ये आप किससे करेंगे ये कंपेयर करेंगे अब डियर आप इतना कितना मार्कर से मार्कर लेंगे यहाँ से डिस्टेंस भरेंगे ये ये चाह यहाँ से डिस्टेंस लेंगे ये चाप लगा देंगे यहाँ से डिस्टेंस लेंगे फिर ये चाप लगा देंगे फिर यहाँ से डिस्टेंस ये चाप लगा देंगे तो इस तरीके से एक चाप लगाते जाएंगे और इन पर लेते चलेंगे इसको ठीक है अब जो शो करेंगे वो शो आपको यहाँ पर करना है जो डिस्टेंस आपने मेजर करी तो ये जो शो करेगी आपकी कहाँ पर करेगी क्योंकि आपको कितना लेना है चार मीटर छः डेसीमीटर तो छः डेसीमीटर कहाँ पर आएगा आपका छह डेसीमीटर आएगा देखिए जीरो यहाँ से जीरो चलेंगे जीरो एक दो तीन चार पाँच और छह छो आप छीब करीब यहाँ पे आएगा तो यहाँ शो तो करेगा तो कितना स्केल होगा आपका यहाँ से यहां तक ये यह करेगा आपका मीटर ठीक है कितना आ गया फोर पॉइंट सिक्स मीटर आपका शो कर देगा या फिर आप पॉइंट में ना -पुर लिख के इसको प्रोपर तरीके से आप इस तरीके से लिख देंगे लिख दीजिएगा डियर छ मीटर और छेसी डेसीमीटर इस तरीके से छेसी डेसीमीटर तो आपका पूरा स्केल आपने शो कर दें यहाँ पर तो इस तरीके से आप इस चीज़ों को यहाँ पे करना होता है तो स्केल आपका कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में और भी हम स्केल लेकर आएंगे अभी आप यहाँ तक पढ़ेंगे कंटिन्यू इसको समझेंगे अच्छे से फिर हम एक और स्केल लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं ठीक है ठीके? तो उनको भी हम यहाँ पर समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत बच्चों